इंदौर की सेंट्रल जेल में पहली बार सनातन धर्म के संदेश और कैदियों को अपराध छोड़ मुख्य धारा से जोड़ने के इरादे से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। सूत्रों की माने तो 1934 के बाद पहली बार जेल में यह आयोजन किया गया है, जिसमें कैदी हर्ष के साथ इस धार्मिक अनुष्ठान का लाभ ले रहे हैं और भाग भी बन रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार इंदौर में स्थित सेंट्रल जेल में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक राजेश भांगरे और उप जेल अधीक्षक लक्ष्मण सिंह भदौरिया उपस्थित थे। कैदियों के बीच सनातन धर्म के उपदेश और उनके उत्थान हेतु इस धर्म सभा का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। कथा के समापन अवसर पर कथावाचक हरिओम शरण शास्त्री जी ने प्रवचन में कहा कि सात विकृतियों पर नियंत्रण कर मनुष्य भव सागर से पार लग सकता है। केंद्रीय जेल इंदौर में 5 जनवरी से आज 11 जनवरी तक 7 दिन का श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बंदियों की मानसिक परिवर्तन एवं मनोवृत्ति परिवर्तन के उद्देश्य से यह जेल प्रशासन ने आयोजन करवाया गया है। इसमें मनु शैक्षणिक मेमोरियल शैक्षणिक समिति के सौजन्य से यह कथा का आयोजन किया गया है और पंडित हरिओम शरण जोशी जी द्वारा कथा वाचन हुआ है। इसमें बंदियों ने पूर्ण मनोयोग से इस कथा का लाभ लिया है एवं पूरा जेल का वातावरण भक्तिमय हो गया है। सर, जैसे यहाँ पर हर धर्म के कैदी होते हैं, तो उस हिसाब से मैं जानना चाहूंगी कि कैदियों की कैसे इसमें भागीदारी रहती है। मैम, यहाँ पर जो कैदी रहते हैं बड़ी सांप्रदायिक एकता से रहते हैं। रमजान के महीने में हिंदू रोजा रखेंगे और नवरात्रि में कई मुस्लिम्स नवरात्रि का व्रत रखते हैं। तो सांप्रदायिक जेल की बैरिंग में संध्या के समय में जब मैं जेल में राउंड करता हूँ उस समय उसी बैरिंग में मेरे को नवाज की पढ़ते हुए मेरे को कैदी दिखते हैं और दूसरी तरफ उसी बैरिंग में मेरे को आरती करते हुए दिखते हैं। तो जेल में बहुत सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण बना हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जेल प्रशासन का जो मुख्य उद्देश्य है इनको अपराध की दुनिया में पुनः यह लोग न जाएं, इसलिए हम समय समय पर धार्मिक सभी धर्मों के कार्यक्रम आयोजन करते रहते हैं। विगत में हम लोगों ने गायत्री परिवार के सौजन्य से 24 कुंडीय यज्ञ कराई और भविष्य में हम आगे इसी माह में 51 कुंडीय यज्ञ करा रहे हैं। यहाँ के कैदी 500 कैदी गायत्री मंत्र का लेखन कर रहे हैं, इसी तरह से राम नाम का लेखन कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय का लेखन कर रहे हैं। साथ में जो मुस्लिम्स कैदी हैं वो भी एक माह अपने रमजान के समय में रोजा रखते हैं। सभी को सभी धर्मों की इबादत की सहूलियत प्रशासन द्वारा कराई जाती है।